27 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो उसके क्रम में जैसे सभी पूरी बद्रीनाथ क्षेत्र में मास्टर प्लान के कार्य भी गतिमान है, तो उसकी वजह से जो पूर्व में रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था उसमें भी बदलाव हुआ है, तो उसके क्रम में नगर पंचायत एक नवीन डायवर्जन रूट का निर्माण कर रही है, उसको यात्रा से पहले 20 तारीख तक निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और साफ सफाई से संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तैयारी वो यात्रा से पूर्व पूरी कर ले, ताकि आगामी यात्रा में यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। जो भी इस तरह के डेंजर पॉइंट्स है यात्रा मार्ग पर, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में साइनेजेस लगाने के निर्देश दिए गए हैं सभी एरियाज में। वहाँ काम चल रहा है, कुछ न किसी में डीपीआर निर्माण का प्रोसेस है, किसी में अभी प्रस्ताव भेजा गया है, और जब जो ऐसे स्लाइड पॉइंट्स है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी अगर कभी रोड बंद होता है तो जो नियरबाय जनप्रतिनिधि हैं या कोई विभागीय बिल्डिंग है तो वहां पर पर्याप्त रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने के हमने निर्देश दिए हैं, ताकि अगर कभी रोड ज्यादा टाइम के लिए बंद होता है तो इमीडिएटली हम यात्रियों जिनको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है उनको हम रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं।